सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ये आसुस के फ़ोन की। ये आसुस का फ़ोन लेज़र 2 शायद इसका मॉडल, तो चलिए इसका हम पहले आपको मॉडल दिखा देते हैं। बैक कवर इसका ओपन करके हम इसका मॉडल दिखा देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो Asus Z00 LD। तो चलिए इसको हम बैटरी को लगा देते हैं। तो चलिए फ़ोन को स्टार्ट करते हैं। अब हमने बैटरी को लगा दिया हुआ है तो फ़ोन को करेंगे हम स्टार्ट। और तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इस फ़ोन की। इस फ़ोन को करेंगे आज हम फ्लैश। यहाँ पे हमारा जो फ़ोन है हैंग होता है, कभी कभी हैंग ही हो जाता, बहुत ज़्यादा फंस जाता है, इसलिए आज हम करेंगे इसको फ्लैश। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन की यहाँ पे अभी इसके बैक होम की ये तीनों चीज़ वर्क नहीं करती है, देख सकते हो। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स पे भी दिखा देते हैं इसका मॉडल, देख सकते हैं Asus Z00 LD। तो चलिए फ़ोन को हम ऑफ़ कर देते हैं। और ये फ़ोन कनेक्ट होगा फास्ट बूट मोड में, तो ये इसका वॉल्यूम अप है और ये वॉल्यूम डाउन, और ये इसका पावर की। तो हम वॉल्यूम अप और पावर की दोनों को एक साथ दबाते हैं तो तब ये कनेक्ट होगा फास्ट बूट मोड में। तो देख सकते हो फास्ट बूट मोड आ चुका है। यहाँ पे अब हम सिंपल सा डाटा केबल को लगा देना है और चलते हैं हम अपने लैपटॉप पे, करते हैं इसको फ्लैश। पहले तो इसका ड्राइवर सेट करना पड़ेगा फास्ट बूट मोड का। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप पर। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारी Asus की फाइल है, यहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। SS2 लेज़र मोबाइल का मॉडल है और Z00 LD इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी 1.5 GB की फ़ाइल है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी एक्सट्रैक्ट होने में। तो चलिए चलते हैं अपने डिवाइस पे, डिवाइस मैनेजर पे। तो ये हमारा डिवाइस मैनेजर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा डिवाइस कनेक्ट है, बट यहाँ येलो कलर का एक आइकन बन के आ रहा है, मतलब हमारे ड्राइवर्स काम नहीं कर रहा है। तो आप लोगों को दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, एक MI का फ्लैश टूल का कोई भी वर्ज़न इंस्टॉल करना है। जब आप MI का वर्ज़न इंस्टॉल करोगे तो इस पर इंस्टॉल ड्राइवर आएगा, तो उसको ड्राइवर के साथ इंस्टॉल करना है। और उसके बाद चलते हैं फिर हम अपने इस ड्राइवर को करते हैं अपडेट। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे एंड्रॉयड पे और यहाँ अपडेट ड्राइवर्स पे चलते हैं।
और ये ब्राउज माय कंप्यूटर पे चलते हैं और लेट्स मी पे क्लिक करेंगे। लेट्स मी पिक फ्रॉम, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हैव अ डिस्क में जाते हैं और अब यहाँ से हम ब्राउज़ करेंगे वही MI के फोल्डर को जो हमारा MI फ्लैश टूल जो इंस्टॉल करेंगे हम। तो यहाँ ब्राउज़ करते हैं और हमारा जो MI का फ्लैश टूल होता है सी ड्राइव में प्रोग्राम 86 के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर 86 पे चलते हैं हम। साउमी का फोल्डर जो देख सकते हो, ये हमारा साउमी फोल्डर है, इस पे डबल क्लिक करेंगे। MI फोन गूगल के अंदर और ये ड्राइवर के अंदर, और ये फोल्डर जो है बेन USB, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम पूरा बैक करके आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ब्राउज़ पे आने के बाद आपको सी ड्राइव के अंदर जाना है, फिर प्रोग्राम 86 के अंदर, और फिर हम MI वाला जो फोल्डर है जिसको ओपन करेंगे, मतलब हमारा जो MI का फ्लैश टूल का फोल्डर साउमी के नाम से आएगा। तो ये है साउमी, इसको डबल क्लिक करेंगे, फिर MI फ़ोन को क्लिक करेंगे, फिर ये गूगल के अंदर ड्राइवर्स के अंदर ये वाला जो एंड्रॉयड बिन USB को सिलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे ओपन, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा ड्राइवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस पे सिलेक्ट कर लेना है, एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस, और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ से करना है यस। तो यहाँ पे हमारा जो है ड्राइवर्स इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी मदद से हमारा जो फ़ोन पे एंड्रॉयड आ रहा था लिख के, हमारा ड्राइवर्स काम करने लगेगा और हमारा फ़ोन इस पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो विंडो हैज़ बीन सक्सेसफुल, ड्राइवर इंस्टॉल, अपडेट योर ड्राइवर्स। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे देखेंगे अभी एंड्रॉयड जो लिख के आ रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अब एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस लिख के आ रहा है, एंड्रॉयड हट चुका है। तो चलिए इसको हम कट करेंगे, और यहाँ पे ये हमारी जो फाइल थी एक्सट्रैक्ट हो चुकी रही। तो चलिए इसके हम फोल्डर पे चलते हैं, ये इसका फोल्डर है, और यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके की फाइल मिल जाती है। और ये फाइल में देखना आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्लैश फ्लैश हॉल AFT लिखा होगा, जिस पे यहाँ पे हम देखेंगे टाइप में, तो यहाँ पे कमांड विंडो कमांड लिखी नज़र आ जाएगी। तो उस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फ़ोन फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अपने फ़ोन की तरफ चलते हैं, और यहाँ से हम ये AFT पे डबल क्लिक करते हैं, तो ये सीधे फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा फ़ोन। देख सकते हो ये हमारा जो फ्लैशिंग होना शुरू हो चुका है फ़ोन। देख सकते हो इरेजिंग यूज़र डाटा लिख के भी आ रहा है, देख सकते हो, और यहाँ पे हमारा जो डिवाइस कनेक्ट है। तो चलिए अब हम डिवाइस की तरफ चलते हैं। जैसे ही हमारा फ़ोन फ्लैश हो जाएगा, फिर हम फ़ोन को ऑन करेंगे।
यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे हमारी जो है फ्लैशिंग होना शुरू हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पे सिस्टम में फ्लैशिंग चल रही है अभी, देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्लैशिंग हो चुकी है हमारी डन, और यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे हमारा फ़ोन भी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो चुका रहा अभी, फास्ट बूट मोड। फ्लैशिंग हो चुकी है हमारी डन, और यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे हमारा फ़ोन भी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो चुका रहा अभी, फास्ट बूट मोड से अलग होके आसुस में आ चुका है, और यहाँ पे फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है। तो केबल को करते हैं हम डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन हमारा हो चुका है स्टार्ट। चलिए सेटिंग्स करते हैं इसकी फटाफट, स्किप करेंगे, नेक्स्ट 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 करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, कैंसिल, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग हो चुकी है डन, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बोला रहा, ये वाले बटन काम नहीं कर रहे थे। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो बैक भी हो रहा है, अब ये हम बैक कर रहे हैं तो बैक भी हो रहा है, और होम स्क्रीन भी चल रही है, और ये भी वर्क कर रहा है इसका। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं भी ऐसी जो भी वीडियो डालूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।